उपायुक्त के उड़न दस्ते ने पाड़ा, बाल रांगडान, बल्ला व सालवान के परीक्षा केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से हो रही थी परीक्षाएं। बल्ला परीक्षा केंद्र पर एक अध्यापक को प्रश्न पत्र की मोबाइल से फोटो लेते पकड़ा। मुकदमा दर्ज करने के लिए किया बल्ला पुलिस चौकी के हवाले। दोषी अध्यापक को निलंबित करने के लिए सरकार को लिखा पत्र। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं परीक्षाओं को नकल रहित व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सरकार और प्रशासन की कटिबद्धता के चलते उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मंगलवार को जिला के गांव पाढ़ा, बाल रंगडान, बल्ला व सालवान में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर जाकर औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त के साथ ACUT आशीष सिन्हा व जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र चौधरी भी थे। इस दौरान बल्ला गांव के परीक्षा केंद्र पर एक अध्यापक को प्रश्न पत्र की मोबाइल से फोटो लेने की कोशिश करने का एक मामला उपायुक्त के संज्ञान में आया, जबकि सरकार व बोर्ड के निर्देशानुसार परीक्षा केंद्र पर किसी भी अध्यापक को मोबाइल फोन साथ रखने की इजाजत नहीं है। उपायुक्त के आदेश पर दोषी अध्यापक तेजवीर को बल्ला चौकी के हवाले कर दिया गया, जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। बतौर उपायुक्त अध्यापक को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के लिए सरकार को भी लिख दिया गया है। उपायुक्त ने सभी केंद्रों पर तैनात अधीक्षकों से परीक्षार्थियों की संख्या, उपस्थिति व विषय के बारे में जानकारी ली। यह भी पूछा कि किसी तरह का व्यवधान तो नहीं हो रहा। केंद्र अधीक्षकों ने बताया कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है और नकल को लेकर किसी भी परीक्षार्थी का UMC नहीं बना है। जी सर, जी सर, करनाल जिले में 10वीं और 12वीं की जो स्कूल परीक्षाएं चल रही हैं, आज इस सिलसिले में हमने कई स्कूलों की चेकिंग की। बला, सालवान, गंगा ठेरी और जो भी स्कूल आस पास, उसको हमने चेक किया और पाया कि स्कूल में मोर और लेस जो है एग्ज़ाम प्रोसेस शांतिप्रिय थी। किसी भी तरह का कोई व्यवधान था नहीं। किसी भी तरह की नकल या इस तरह की कोताही बिल्कुल बर्दाश्त की जाएगी। हरियाणा सरकार और पूरा जिला प्रशासन इसके लिए बिल्कुल कृतसंकल्प है और कोई भी कर्मचारी या कोई बाहरी व्यक्ति इसमें अगर कोई संलिप्त पाया जाता है तो बड़ी अच्छी।